19 अक्टूबर को तुला राशि में एक साथ बनने जा रहा है चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन। चार ग्रहों के संयोग से बनेगा आदित्य राजयोग। तुला राशि में बना ये चार ग्रहों का संयोग कई राशियों को करेगा मालामाल। इन चार राशियों के भरेंगे धन के खजाने, मिलेगी अपार संपत्ति। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष में कई बार ग्रहों का बहुत ही जबरदस्त खेल होता है और वैसा ही खेल कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को ये बताने आया हूँ कि इस अक्टूबर महीने में तुला राशि में चार ग्रहों की चौकड़ी धमाल मचाने वाली है। आप कह सकते हैं कि चार ग्रहों की पंचायत तुला राशि में जुटेगी और कई राशियों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव के फैसले करेगी। तुला राशि में पिछले 18 महीने से केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं और अभी 3 अक्टूबर को ही ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल ग्रह भी तुला राशि में आ चुके हैं, जहां उनका कॉम्बिनेशन केतु से बना है और अंगारक दोष भी बन गया है क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। 18 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी अपनी नीच तुला राशि में आ रहे हैं और एक महीना यहां पर रहेंगे और फिर 19 अक्टूबर को बुध ग्रह अपनी उच्च कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे और सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बनाएंगे। यानी तुला राशि में एक साथ चार ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। एक साथ चार ग्रहों का इस तरह से एक राशि में बैठना ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की ये चौकड़ी कई राशियों के लोगों को मालामाल बनाएगी। आप यूं भी कह सकते हैं कि ग्रहों के ये महापंचायत कुछ राशियों के नसीब में कुछ नया फतवा दे देगी। क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तुला राशि में जमने वाली चार ग्रहों की ये जो पंचायत है, जो चार ग्रहों की चौकड़ी है, जिस राशि को जबरदस्त लाभ देने वाली है वो मंगल की मेष राशि है। सूर्य की यह उच्च राशि है। मेष राशि के लोगों के लिए ये चार ग्रह बहुत शानदार फल देने वाले हैं। मेष राशि वालों के कई अटके हुए काम जो लंबे समय से अटके हुए थे अब फिर से सिरे चढ़ना शुरू कर देंगे। अगर स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा था तो अब सुधार होगा। जो व्यापारी हैं उनका काफी देर से जो पैसा अटका हुआ था वह वापस मिलेगा। बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे और घर में खुशी का माहौल बनेगा। विवाह योग या संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और इनकम का कोई नया सोर्स भी बन जाएगा जो परमानेंट सोर्स होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि जो है वो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। तुला राशि के स्वामी जो है वो शुक्र ग्रह हैं और वृषभ राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा। कोई नया साझीदार, कोई नया पार्टनर आपको बिजनेस में मिल सकता है जिसके साथ आप लंबी पारी भी खेल सकते हैं और आपका बिजनेस तेजी से फैलेगा। विदेश जाने की कोई फाइल लगा रखी है तो इच्छा पूरी हो जाने की पूरी उम्मीद बन रही है, अच्छी खबर मिलेगी और पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है और आप नया वाहन नया फ्लैट भी खरीद सकते हैं। तीसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है, जो बुध की राशि है। चार ग्रहों का यह योग जो है मिथुन राशि वालों के भाग्य के दरवाजे खोल देगा। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके कई बिगड़े कार्य जिन्हें लेकर आप काफी समय से परेशान थे वो अब पूर्ण होने की पूरी संभावना है। मनपसंद जगह पर तबादला कराने में भी आप कामयाब रहेंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उन्हें किसी अच्छी जगह से बड़ी जगह से ऑफर आ सकता है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, मीडिया में हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, टूरिज्म सेक्टर में हैं, उनके लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। और चौथी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए इन चार ग्रहों का संयोग बेहद शुभ रहने वाला है। धन लाभ के साथ साथ आपके कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग बनेंगे। बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा, करियर तेजी से आगे बढ़ेगा, सीनियर ऑफिसर्स आप पर मेहरबान रहेंगे और समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, यश और मान बढ़ेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं और लग्जरी आइटम पर भी इस महीने आप खुलकर खर्च करेंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि मकर राशि है, जिस पर शनि की उतरती हुई अब साढ़े सती है। इसके बावजूद चार ग्रहों की जो चौकड़ी है यह मकर राशि वालों को हैरान कर देने वाले लाभ देगी।
आपके रुके हुए काम अब बनते चले जाएंगे, कार्यस्थल पर एक अच्छी गुडविल बनेगी, अच्छा एक एनवायरमेंट बनेगा और उच्च अधिकारियों का आपका पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी, धार्मिक कार्य भी, कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। बिजनेस का विस्तार करने में आप कामयाब रहेंगे और जो विद्यार्थी हैं उनकी विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही।